हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ जहाँ होंगे बेहतर होंगे। मैं जमान शेख आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर, और ये शाम का वक्त है और हम आए हुए हैं अपने पिजन लॉफ्ट पे। तो हमने देखा कि हमारे पिजन पहले से थोड़ा सा बेटर है, तो हमने कल जो थोड़ा सा नुस्खा अपनाया था वो थोड़ा सा कारीगर है। फिलहाल तो हमारे कबूतर ठीक ठाक हैं, तो पार्टीशन हमने कबूतरों में लगाया हुआ है, तो जिसकी वजह से बीमारी थोड़ा सा स्टॉप है। फिलहाल आप देख सकते हैं, सिर्फ ये कल ऐसा लग रहा था कि लकवे का शिकार हो रही है, पर काफ़ी सुस्त है, कमज़ोर लग रही है थोड़ा सा। बाकी सब मेंटेन एकदम बरकरार है, एकदम तगड़ा है, ठीक ठाक है। और बाकी सब तो जो गर्दन टेढ़े वो वाला तो एकदम ठीक हो गया है, वो थोड़ी सी है, बाकी सब थोड़ा सा मेंटेन है। उसमें दो बेबीज हैं, इसलिए उस वाले कबूतर हमने बाहर नहीं निकाले। तो चलिए ये वाले लॉफ्ट में आ जाते हैं। तो ये वाले में भी एकदम मामला एकदम सही है, अंदर से भी शो करा देते हैं आपको एक बार। ये देखिए सबके सब एकदम फिट फाट हैं। तो कल हमने सिर्फ एक ही तरीका छोटा सा अपनाया, वो भी फिटकरी लाई थोड़ा सा और पानी के अंदर यूज़ किया, पानी में डाला और वही पानी दिया, मेडिसिन बिल्कुल भी बंद कर दी। फिलहाल तो सब ठीक ठाक दिख रहे हैं, किसी को मुँह टेढ़े की बीमारी नहीं अभी, क्योंकि हमने बीच में पार्टीशन लगाया हुआ है, इधर के कबूतर उधर नहीं जा सकते और वो वाले कबूतर इधर नहीं आ सकते। तो फिलहाल हेल्दी हैं, चलिए इनको फटाफट से खोलते हैं बाहर और देखते हैं। तो पानी में हमने पहले से ही फिटकरी थोड़ा सा ऐड करके रखी हुई है, तो कबूतर काफ़ी प्यासे लग रहे हैं। तो हमें पहले से पता होता कि फिटकरी इतना अच्छा का मतलब काम कर जाएगी तो पहले ही हम फिटकरी यूज़ कर लेते, लेकिन मेडिसिन ने भी अपनी जगह पे अपना काम किया और फिटकरी भी अपनी जगह पे अपना काम कर रही है, जिसकी वजह से कबूतर फिलहाल हेल्दी हैं, ठीक ठाक हैं। आप देख सकते हैं पानी थोड़ा सा वाइट है, हमने थोड़ा सा फिटकरी इसमें ऐड की जिसकी वजह से पानी का कलर चेंज हो गया। मैं थोड़ा पास से भी दिखा देता हूँ, ये देखिए थोड़ा सा लाइट वाइट कलर का है। तो फिलहाल सब ठीक ठाक है, तो सब फटाफट से खाना मांग रहे हैं, बाहर आए हैं सब काफ़ी भूखे लग रहे हैं। तो हमने मॉर्निंग से ही पानी नहीं दिया था, पानी एकदम बंद करके रखे हुए थे क्योंकि पानी से ही इन्फेक्शन ज़्यादा फैल रहा था। ये सब फटाफट से नीचे जा रहे हैं, लग रहा है नीचे कुछ है थोड़ा बहुत प्रोग्राम। तो ये जो चंचलपना है ये काफ़ी अच्छा लगता है, कबूतर ऐसे ही एक्टिव रहने चाहिए, फटाफट से एकदम मस्त। तो यही चीज़ हमें चाहिए भी, ये एक्टिव रहें। वो वाले कबूतरों को हमने बंद करके रखा हुआ है जिसकी वजह से थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं है, बस ये वाली जो मादा है ना उसकी आँख में थोड़ा सा डिमनेस आ गई है, तो ड्रॉप डालेंगे तो वो भी सही जाएगा, बस मुँह टेढ़ी की बीमारी ना हो। फिलहाल काफ़ी एक्टिव है, ये तरीका हमने अगर पहले यूज़ किया होता तो काफ़ी कारगर होता, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गई, लेकिन क्या है कि देर आए पर दुरुस्त आए। लास्ट में ही हमने ये फार्मूला अपनाया, लेकिन ठीक रहा, अच्छा रहा, काफ़ी कारीगर रहा। ये जो हमने बीच में से ब्लॉकेज लगाया हुआ है जिसकी वजह से काफ़ी फ़ायदे में हमारे कबूतर, तो हेल्दी भी हैं, ठीक ठाक भी हैं, बीमार सारे बंद है, थोड़ा सा बेचैन है बाहर निकलने के लिए। तो ये हम बाहर नहीं निकालेंगे फिर भी, अभी 2-3-4-5 दिन का गैप देंगे, उसके बाद हो सकेगा तो उसमें से कुछ कबूतर कम करके इसमें डाल देंगे अगर ठीक लगेंगे ज़्यादा तो, वरना ये प्रोसेस अभी चलता रहेगा कुछ दिनों तक। आप देख सकते हैं जो बाहर खुले हुए कबूतर है काफ़ी एक्टिव है, ठीक ठाक है, हेल्दी हैं, सबके सब काफ़ी मस्त हैं। तो ऐसे ही हम चाह रहे थे, और ये थोड़ा सा फिटकरी का पानी काफ़ी अच्छा काम कर गया। तो ये चीज़ मैं कह सकता हूँ कि अगर ऐसा कुछ मामला है तो फिटकरी का पानी आप दे सकते हैं, जिससे काफ़ी हेल्दी रहेंगे कबूतर। फिलहाल चलते हैं, इनको भी दाना दे देते हैं फटाफट से, क्योंकि काफ़ी बेचैन लग रहे हैं और सीधा मिट्टी पे ही हमला दे दिए, क्या पता मिट्टी भी थोड़ा फ़ायदा की होगी। तो चलिए पहले जाल वाले कबूतरों को दाना दे देते हैं फटाफट से, फिर बाहर वाले कबूतरों को हम दाना देंगे। तो पहले लॉफ्ट को खोलते हैं। तो बाहर वाले काफ़ी बेचैन हो गए, मैं अंदर दाना दे रहा हूँ। ये देखिए ये जो जद्दोजहद है काफ़ी खतरनाक है। तो दाना हम अंदर दे रहे हैं, बाहर झगड़ा चालू हो गया, तो भाई साहब हमें भी पूछ लो। ये देखिए पूरा भीड़ लगी हुई है। तो चलिए फटाफट से इनको भी दाना दे देते हैं, थोड़ा सा परेशान ज़्यादा हैं। तो ये वाले भी कबूतरों को हमने फटाफट से दाना दे दिया।
काफ़ी ठीक है, ये वाले बाहर वाले जितने हैं काफ़ी एक्टिव है, ठीक ठाक हैं, तो ऐसे रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो देखते हैं मामला कब तक चलता है, ज़्यादा दिक्कत ना हो। फिटकरी का पानी पीने की वजह से कबूतर काफ़ी भूखे लग रहे हैं, क्योंकि मॉर्निंग में हम थोड़ा दाना दे करके गए थे, नहीं तो इस तरह भूखे नहीं रहते थे। जिस तरह से जाल में ये एक्टिविटी कर रहे थे तो कुछ तो फ़ायदा हो रहा है फिटकरी से। तो अंदर का पूरा मामला साफ़ कर रही है फिटकरी, ऐसा लग रहा है क्लियर कर रही है एकदम, जिसकी वजह से डाइजेस्ट सिस्टम थोड़ा ठीक हो रहा है। और खाना जो है भूख ज़्यादा खा रहे हैं, भूख ज़्यादा लग रही है इनको, ये थोड़ा सा सुस्त लग रहा है फिलहाल, तो ठीक है अभी, इसको ऐसा कुछ सिम्टम नहीं दिख रहा है कि थोड़ा सा इन्फेक्शन हो या बीमारी हो, तो ठीक है। जब तक ठीक है तो ठीक है, अगर थोड़ा भी कुछ ऐसा लगा तो इसे भी पैक कर देंगे। फिलहाल तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं, मैं सिर्फ अपने कबूतरों पे जो चीज़ आजमाता हूँ, जो चीज़ बेटर लगती है वो चीज़ मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि आप भी अगर ऐसा करें तो क्या पता बेहतर असर हो। तो मेरा डेली व्लॉग बनाने का यही मकसद है कि आपको क्लियरली पता चले कि फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो चीज़ें आप खुद देख करके समझ जाएंगे। तो इससे ये चीज़ ज़्यादा अच्छा है कि आप खुद देखें और खुद समझें कि क्या एक्टिविटी हो रही है कबूतरों में, या क्या खराबी है क्या अच्छाई है, तो इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा जो चीज़ आप ज़्यादा बेहतर समझ के करेंगे। हम घरेलू तरीक़ों से भी अपना रहे हैं और मेडिसिन भी ला करके यूज़ किया, तो मेडिसिन से भी काफ़ी ठीक ठाक अच्छा फ़ायदा हुआ। फिर लास्ट में ये जो हमारे पास ये लास्ट पॉइंट बचा हुआ था, ये जो आंखों में इन्फेक्शन हो रहा था और बॉडी में एलर्जी हो रही थी, तो हमने सोचा क्या पता ये वायरल इन्फेक्शन है जो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, तो फिटकरी यूज़ करके देखते हैं और देखते हैं उसके बाद क्या रिस्पॉन्स आता है। तो हमने फिटकरी लास्ट में एकदम यूज़ की, इसके बाद कोई मेडिसिन नहीं यूज़ करेंगे। फिलहाल तो सब एक्टिव दिख रहे हैं, ठीक ठाक दिख रहे हैं, अंदर भी दिख रहे हैं ठीक ठाक, सिर्फ वो जो मुतेड़े की वजह से थोड़ा सा दिक्कत में आ गए थे, वही बस प्रॉब्लम में थे, बाकी सब के सब ठीक ठाक हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने जो है क्लियरली सामने फ्रंट पे है, तो इस चीज़ से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कबूतरों में क्या चेंजेस और क्या एक्टिविटी में क्या फ़र्क आया इनके। पहले से तो बेहतर है हमारे कबूतर, और लॉफ में भी एक बार चलते हैं चेक कर लेते हैं। तो ये महाशय अंदर क्यों बैठी हुई हैं, इन्हें बाहर कर देते हैं चलो। और यहाँ पे बेबीज जो हैं वो काफ़ी ठीक ठाक हैं, और दो यहाँ पे भी हैं, एक काफ़ी छोटा है जिसकी डेथ हो गई, ये बच नहीं पाया। ये देखिए ये वाला जो बेबी है ना बच नहीं पाया इन, ये रहा। तो ये जो बाद में निकला था ये वो वाला है, जो पहले निकला वो वाला तो अभी तक सेफ है, सही है, और तो एक भी नहीं है। फिलहाल चलते हैं बाहर। तो ये वाला फिलहाल तो चला गया, शायद कमज़ोर रहा होगा इसलिए मर गया, खैर उसको छोड़ते हैं, अभी जहाँ ध्यान लगाना वहाँ करते हैं, क्योंकि काफ़ी दिक्कत है, जिसको हल ही करने में ज़्यादा बेहतर है कि तरीके जो भी हों बस सही हो, कबूतर बस सेफ बचना चाहिए, कोई भी तरीका अपनाना पड़े। फिलहाल तो सब हेल्दी हैं, बीमारी से भी जूझ नहीं रहे हैं कोई भी। और इसमें जो इनको अच्छे से क्लियरली मैं दिखाता हूँ, ये देखिए पहले से तो बेहतर दिख रहे हैं, ठीक ठाक है, थोड़ा सा मूवमेंट में चेंजेस आए हैं, सिर्फ यही दे रहे हैं फिटकरी का पानी थोड़ा सा और कुछ भी नहीं। और उसमें भी देखिए दो बेबीज हैं वहाँ, ठीक ठाक है, हेल्दी हैं, वहाँ रूम में दिख रहे हैं वहाँ पे। ये वाली मादा के जो यहाँ पे जीरी बैठी है ऊपर, और ये वाला नर रहा, आ गया ये वाला, तो फिलहाल ठीक है, इनको बंद कर देते हैं। इन्हें तो कम से कम 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद ही हम बाहर निकालेंगे, जैसा हमें लगेगा सिचुएशन जैसी अच्छी रहेगी उस हिसाब से। वो वाला तो कल रात में काफ़ी सुस्त था जो वहाँ रूम में बैठा है, तो अभी तो फिलहाल ठीक है। हमने ड्रॉप भी अप्लाई किया है सारे कबूतरों को, ड्रॉप हमने अपने पुरानी वीडियो में आपको बताया भी कौन सा यूज़ करें, और काफ़ी कारगर ड्रॉप है, इसमें जितने थे तो काफ़ी ठीक हो गए। और ये वाले हैं थोड़ा बहुत है, वो भी सही हो जाएंगे जल्दी। तो लास्ट में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने अपने कबूतरों में अगर पार्टीशन डाल दिया, अगर बीमारी हैं तो बीमार कबूतरों को एक तरफ कर देंगे, तो पार्टीशन से आपके कबूतर बहुत बड़े खतरे से बच जाएंगे।
तो नतीजा तो आप सामने है, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े खतरे से हमारे कबूतर बच गए, नहीं तो सारे के सारे साफ हो जाते हैं और एक भी कबूतर इसमें नहीं बचता। और ये सब जो दिख रहे हैं हमारे सामने, एक भी नहीं बचते, फिर हमें कहीं से नया लॉफ खरीद करके लाना पड़ता पूरा। तो फिलहाल जितने हैं मामला सही है और आगे भी देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है इस चीज़ का। तो अगर काफ़ी बेहतर रहा तो उसके बाद हम इसमें से जो अच्छे कबूतर वो निकाल देंगे। तो खैर हम भी चलते हैं, ये भी जा चुके हैं फटाफट से, ज़्यादातर थोड़े बहुत हैं अभी वो भी चले जाएंगे। तो हम भी आपसे इजाज़त चाहते हैं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट डे कोई नई खबर के साथ, तब तक बाय बाय दोस्तों, टन टन।